लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में रालोद द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही सरकार को चेताया कि 3 कृषि कानून वापस नहीं हुए तो आंदोलन तेज किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दे, रालोद महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रेणु तोमर के नेतृत्व में बड़ौद तहसील के सुल्तानपुर हटाना गांव में यह कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। वक्ताओं का कहना था कि भाजपा की प्रदेश सरकार से कानून व्यवस्था सबल नहीं रही। रेणु तोमर का कहना था कि इस मामले में पूरी तरह से दोषी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा व उसके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस अभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि एक मामूली से विवाद होने पर भी पुलिस निर्दोषों को जेल में डालने से नहीं चूकती। उनका यह भी कहना था कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते आंदोलन जारी रखा जाएगा।